नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर देश में 3.5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 3,68,147 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,99,25,604 हो गई है। वहीं इस दौरान 3,417 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 2,18,949 हो गई है। आपको बता दें, देश में इस वक्त एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या 34 लाख के पार हो गई है। देश में इस समय 34,13,642 एक्टिव केस हैं। देश में 1,62,93,003 लोग कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सोमवार लगातार 12वां दिन है जब कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख से ज्यादा आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एक दिन कोरोना का ये आंकड़ा 4 लाख को भी पार कर चुका है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 56,647 नए मामले सामने आए और इस दौरान 669 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए मामलों के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 47,22,401 हो गई है और मृतकों की संख्या 70,284 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 51,356 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बिहार में 24 घंटे में कोविड-19 से पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी के छोटे भाई समेत 97 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 2,729 हो गई है। आपको बता दें, बिहार में पिछले 24 घंटे में 13,534 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,97,640 हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 290 मरीजों की मौत हो गई और 30,983 नए मरीज पाए गए। राज्य में अब तक कुल 13,162 संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 30,983 नए मरीज मिलने के बाद अब कुल मामलों की संख्या 13,13,361 हो गई है। दिल्ली में रविवार को कोविड-19 से 407 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुजरात में रविवार को कोविड-19 संक्रमण के 12,978 नए मामलों के साथ ही कुल मामलों की संख्या 5,94,602 हो गई है। इसके साथ ही राज्य में पिछले 24 घंटे में 153 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद गुजरात में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 7,508 हो गई है। वहीं असम में रविवार को कोरोना के 2,385 नए मामले सामने आए और 30 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 20,768 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 17,576 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 153 लोगों की वायरस से मौत हो गई। बात करें राजस्थान की, तो यहां पिछले 24 घंटे में 18,298 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 11,262 लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 159 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।